नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। और सीधे बात पहले अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर योगी ने जोरदार पलटवार किया। योगी ने कहा कि जिन्ना वाली अगर आएंगे तो राम भक्तों पर गोलियां चलवाएंगे। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव ने जो बातें कही उसका जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने अपने बयान में जिन्ना का जिक्र आजादी की लड़ाई से कर दिया, वहीं अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर योगी ने जोरदार पलटवार किया। योगी ने कहा कि जिन्नावादी अगर आएंगे तो राम भक्तों पर गोलियां चलवाएंगे। सरदार पटेल से जो तुलना की गई थी, अखिलेश यादव ने जिन्ना की जो तुलना कर दी थी, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने हमला किया अखिलेश यादव पर। प्रश्न करके मैं अभिभूत हूं। मैं पूरे हरियाणा वासियों को हरियाणा दिवस की हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, जिस तरीके से कल जो वक्तव्य सरदार पटेल जैसे राष्ट्र नायकों की तुलना जिन्ना जैसे विघटनकारी तत्व के साथ किया गया, वह मुझे लगता है कि भारत का अपमान है। और जो लोग भारत की एकता और अखंडता के दुश्मन हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित करने वाला है। और इसीलिए हम लोगों ने इसके बारे में कहा है कि सरदार पटेल लौह पुरुष थे, भारत की एकता और अखंडता के वह शिल्पी थे, भारत की 563 से अधिक देशी रियासतों को भारत गणराज्य में लाने में उनकी दूरदर्शिता, उनकी सूझबूझ और उन्होंने जिस तरीके से अपने इस कार्य को बड़ी सहजता के साथ संपन्न किया है, पूरा देश इसके प्रति, सरदार पटेल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी विभाजनकारी मानसिकता से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कल दिया हुआ अपना वक्तव्य इसी बात को प्रदर्शित करता है। उनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए अपने इस कृत्य के लिए। जिन्ना को महिमा मंडन के लिए उनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अगर भाजपा नहीं होती, मोदी जी नहीं होते, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या ये काम हो पाता? पहले की सरकारें तो राम भक्तों पर गोलियां चलाती थी। ये वही लोग हैं, जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है, यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे, राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। लेकिन अब राम भक्तों पर गोली नहीं चलेगी, अब आतंकवादियों पर गोली चलेगी, देशद्रोहियों पर गोली चलेगी, भारत विरोधी और भारत के नागरिकों पर, निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों पर गोली चलेगी। भारत के नागरिकों पर नहीं, भारत के श्रद्धालुओं पर नहीं, राम भक्तों पर नहीं, कृष्ण भक्तों पर नहीं। और यही तो आज का नया संदेश है। इससे पहले योगी ने सरदार पटेल से जिन्ना की तुलना शर्मनाक है बोला। इससे विपक्ष की विभाजनकारी मानसिकता फिर से सामने आई है। योगी ने कहा कि ये तालिबानी मानसिकता जनता स्वीकार नहीं करेगी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग और सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने की काम किया। उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है।
मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। तो अखिलेश यादव ने यह बयान दिया, उसके बाद सियासी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई, इस पर जमकर राजनीति हो रही। सुने, तुष्टिकरण की जब सीमाएं पार करने का प्रयास होता है तो ये जिन्ना को याद करते हैं जो सो कॉल सेक्युलर होते हैं। उनकी जो 400 सीटें से 300 बन गई, 300 से अब उनको कुछ भी नहीं दिखता, वो साइकिल पे किसी को सवार करते हैं, वो पंचर होती जा रही है। तो अखिलेश जी के जो मुंगेरी लाल के सपने थे वो खत्म होते जा रहे हैं और इसलिए अब वो तुष्टिकरण के लिए जिन्ना को सरदार पटेल जी के साथ जोड़ते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जिसने देश के टुकड़े किए हों विभाजनकारी जिन्ना को और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी से मिला दिया, उनकी विचारधारा से मिलाकर वो उन्होंने ये बता दिया कि अभी देश के अंदर ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो भारत के टुकड़े करने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये समाजवादी नहीं है, ये जिन्नावादी सोच है और इस सोच से पूरे देश के लोगों को बचना होगा और उन्हें पूरे देश से माफी मांगना चाहिए कि देश के महापुरुषों का अपमान किया है जिन्ना जैसे ऐसे आदमी को मिलाकर जिसने देश का विभाजन किया हो। क्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटवा दी? क्या आने वाले चुनाव सावरकर और जिन्ना पर होंगे? कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में असलियत के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, किसी जिन्ना पे और किसी सावरकर पर नहीं। तो देश में कोरोना के क्या हाल है वो भी हम आपको बताएंगे और तस्वीरें भी कुछ आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जहां एक तरफ कोरोना भी खत्म नहीं हुआ, दूसरी तरफ बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी है। देश को कोरोना की तीसरी लहर से बचाना है तो त्योहारों पर आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपकी जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। बेशक दिल्ली में कोरोना की चाल सुस्त पड़ गई है, लेकिन वो अभी देश से गया नहीं है, ये याद रखना होगा हमें। पिछली बार देश दूसरी लहर का दंश झेल चुका है, लेकिन दिल्ली के बाजारों में दिवाली पर खरीदारी का मंजर देखकर डर लगता है कि कहीं फिर महामारी लौट ना आए। चाहे वो एशिया का सबसे बड़ा थोक मार्केट सदर बाजार हो या फिर करोल बाग, हजारों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल पुरानी दिल्ली के मशहूर चांदनी चौक का भी है, जहां लोग जमकर खरीदारी तो कर रहे हैं लेकिन साथ ही कोरोना को दोबारा से वापसी का मौका भी दे रहे हैं। अभी कोरोना देश से पूरी तरह से गया नहीं है, लेकिन दिल्ली के बाजारों से आ रही ऐसी तस्वीरें यकीनन डराने वाली है। ये हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरूर अलग अलग जगहों की, लेकिन जो स्थितियां दिख रही हैं वो एक जैसी ही है। भारी तादाद में लोग आपको नजर आ रहे होंगे, चाहे वो सदर बाजार की बात हो, करोल बाग की बात हो या चांदनी चौक, लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है और चेहरे पर अगर कुछ नहीं दिख रहा होगा तो वो मास्क। लेकिन खरीदारी का जोश लोगों का हाई है, लेकिन मास्क नदारद दिख रहे हैं और ऐसे में ये खुले तौर पर कोरोना को दावत है और यह एहसास करना होगा, क्योंकि दूसरी लहर का दंश हमने झेला है, किस तरीके की परिस्थितियां थी वो अभी भी लोगों के जहन में है, लेकिन बावजूद इसके डर किनारे करके लोग बेखौफ बाजारों में घूम रहे हैं, वो भी बिना मास्क के। न सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही वहां पर वो जागरूकता लोगों के बीच में नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, सदर बाजार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भारी तादाद में लोग आपको नजर आ रहे होंगे। ये पूरा रास्ता खचाखच भरा हुआ है, जाने तक की जगह नहीं है और ऐसे में चेहरे पर लोगों के एक ही दो लोग आपको नजर आ रहे होंगे जिनके चेहरे पर मास्क है। जो दुकान सामान बेच रहे हैं जो पटरी पर लगा के, ना उनके चेहरे पर मास्क है और जो सामान खरीदने आए हैं उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं है। तो एक तरीके से कहें तो खौफ कोरोना का लोगों में खत्म हुआ है और इसकी बड़ी भरपाई करनी पड़ सकती है। अगर तीसरी लहर को हम चाहते हैं कि वो ना आए तो हमें ही जागरूक होना होगा, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तो इस बात की गवाही दे रही हैं कि लोग शायद अभी उतने जागरूक हो ही नहीं रहे हैं और एक तरीके से कहें तो तीसरी लहर को दावत कोई और नहीं, हम और आप ही दे रहे हैं।
1 सितंबर से सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल जो थे वो खुले थे। आपको बता दें दिल्ली में कोरोना राहत की नई किस्त भी शुरू हुई है। आज से भी सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स भी खुलेंगे। तो जहां एक तरफ बाजारों में भीड़ है तो कुछ रियायतें जो सरकार दे रही है केसेस कम आने पर, लेकिन हमें जागरूक होना पड़ेगा कि आखिरकार किस तरीके से हमें इन नियमों, इन छूटों पर बिहेव करना है ताकि कोरोना की स्थिति बिगड़े ना। अब जरा आपको एक रिपोर्ट हम दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट सदर बाजार की है, ग्राउंड पर क्या स्थिति है जरा इस रिपोर्ट में देखिए। तो हम सदर बाजार के बीचों बीच मौजूद हैं। मेरे चारों तरफ आपको त्योहार से पहले की रौनक नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक हैरानी की बात यह है कि कोरोना के मद्देनजर जो सोशल डिस्टेंसिंग दिखनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही है। और आप देखिए दूर दूर तक कैमरे की नजर जहाँ जा रही है वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ ये भीड़ नजर आएगी। यहाँ पर हमने जायजा लिया तो पता चला कि 100 में से लगभग 50 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है। सबके अपने अपने बहाने हैं, लोग खरीदारी करने में इतने व्यस्त हैं कि वो मास्क लगाना ही भूल गए हैं, वो कोरोना के डर को ही भूल गए हैं। और यहाँ पर जो दुकानदार हैं उन्हें भी कई तरह की परेशानी हो रही है। और जिस तरीके से त्यौहार से पहले बाजारों में इंतज़ाम होने चाहिए कोरोना से निपटने के लिए, वो इंतज़ाम ज़्यादा यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। यहाँ पर देखिए सभी दुकानें सजी हुई हैं और दिवाली से ठीक पहले फूल मालाओं से और जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उसकी खरीदारी के लिए चीज़ें इस बाजार में खरीदने के लिए लोग पहुंचते हैं। तो सबसे अहम बात यह हो जाती है कि एक बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन तो लगवा ली है लेकिन अभी भी उन्हें मास्क लगाना चाहिए, इस बात को वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। और इस मार्केट में जब हम घूम रहे हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने बहाने हैं, मास्क घर पर भूल गए, मास्क गिर गया या मास्क जेब में रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है ये त्योहार के बाद नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि दिल्ली ने पहले भी त्योहारों का मौसम देखा है, त्योहारों के मौसम में इससे ज्यादा भीड़ देखी है और भीड़ के बाद कोरोना की लहर का जो अटैक आया था उससे कहीं ना कहीं सचेत होते दिल्ली वाले नजर नहीं आ रहे। अब एक बार चंद दिनों के बाद ही दिवाली है, रोशनी और खुशियों का त्योहार है, लेकिन उसके बाद आपकी खुशियों पर ग्रहण ना लग जाए इसका भी डर अब बढ़ता जा रहा है। यकीन ना हो तो जरा ये तस्वीरें देखिए, देश के अलग अलग शहरों से आई ये तस्वीरें हैं, मुंबई हो या फिर ठाणे हो, डोंबिवली हो, लोग बाजारों में ऐसे ही निकल रहे हैं मानो महाराष्ट्र कोरोना मुक्त हो चुका हो। चेन्नई की तस्वीर तो और भी चिंता बढ़ाने वाली है, मार्केट में पैर तक रखने की जगह नहीं बची है। इंदौर गुवाहाटी में भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है और ना ही लोग मास्क पहने नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें अलग अलग शहरों की हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन भीड़ आप हर तस्वीरों में देखेंगे और ये भीड़ ही गवाही इस बात की दे रही है कि वहां लोगों के अंदर अब डर कोरोना का नहीं रहा है। और ये डर ना होना चिंता बढ़ाता है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही बेखौफ होकर बिना मास्क के बिना सावधानी के बाजारों में उतरते हैं तो हम निमंत्रण दे रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर को, और उसके बाद हमें ही सबसे ज्यादा इससे प्रभावित भी होना पड़ेगा। तो मुंबई, चेन्नई, ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो ये स्थिति बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके के हालात त्योहारों के इस मौसम में बना हुआ है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप और हम जागरूक रहें अगर तीसरी लहर को आने से रोकना है। अब बात पीएम मोदी के ग्लासगो दौरे की। रोम से पीएम मोदी कल ग्लासगो पहुंच गए, आज पीएम मोदी वहां COP26 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम के स्वागत में ग्लासगो में बड़ी तादाद में भारतवंशियों की भीड़ उमड़ी और शहर मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। बैगपाइपर की धुन और मोदी मोदी के नारे, रोम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर पहुंचे तो होटल में कुछ इसी भव्य अंदाज में उनका स्वागत किया गया। बड़ी तादाद में मौजूद भारतीय समुदाय के लोग मोदी मोदी, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। होटल में मौजूद परंपरागत बैग पाइपर वादकों ने इस स्वागत को भव्य बनाने में
कोई कसर नहीं छोड़ी। 240 एकड़ के वुडलैंड में फैला हुआ ये वो होटल है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट से सीधे पहुंचे 31 अक्टूबर रात को 10:30 बजे के करीब COP22 के लिए। बहुत ही बैकपाइपर्स, स्कॉटिश अंदाज में बैकपाइपर्स ने उनका स्वागत किया और अब तैयारी है 1 नवंबर की, जो बहुत ही लंबा और बहुत ही मसरूफ दिन गुजरने वाला है। पीएम मोदी अपने स्वागत में आए लोगों से काफी देर तक मिले, करीब जाकर उनसे गुफ्तगु भी की। स्कॉटलैंड के अलग अलग शहरों से ग्लासगो पहुंचे भारत वंशियों के लिए ये बेहद यादगार और रोमांचित करने वाला लम्हा था। We are just waiting for Modi to be here. We are so excited. We saw him. Oh, wow. We were overwhelmed to see him, actually. It is fantastic to him, meeting, greet him. Oh, very, very excited. So, first time Modi ji come to Scotland and we are very, very, very excited about it. बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम सभी। एक ग्लासगो इंडियन ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं जो ग्रुप ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स हैं, और हम सभी यहाँ पे जो प्रवासी भारतीय हैं उन लोगों की मदद करते हैं, भारत से भी जो लोग आते हैं उनकी मदद करते हैं। ग्लासगो में आज पीएम मोदी का बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। भारतीय वक्त के मुताबिक 3:30 से 4 बजे के बीच पीएम भारतीय समुदाय के गणमान्य लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद ग्लासगो के स्कॉटिश इवेंट कैंपस में 5:30 से 6:30 बजे के बीच पीएम मोदी COP26 के उद्घाटन सत्र में शिरकत करेंगे। सम्मेलन में पीएम का संबोधन 8:30 से 9:30 बजे के बीच होगा, लेकिन इससे पहले वो भारतीय समय के मुताबिक 7:15 बजे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसके बाद छोटी सी लेकिन बहुत ही अहम, बोरिस जॉनसन, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ एक मुलाकात, जिसमें मई 2021 में जो एक रोड मैप तय किया गया था, बायलैटरल रोड मैप दोनों देशों के लिए, उस पर बातचीत होगी, किस तरह से काम चल रहा है उस पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इंटरनेशनल वैक्सीन सर्टिफिकेशन पर, जिस पर भारत पहल ले रहा है उस पर चर्चा की जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को पिछले 1 साल में सूखा, बेमौसम बरसात, बाढ़ और तूफान जैसे प्राकृतिक आपदाओं की वजह से $87 अरब का नुकसान हुआ है। ये आंकड़ा वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। इस मामले में भारत से आगे केवल चीन है, जिसका पिछले 1 साल का नुकसान $238 अरब था। यही वजह है कि भारत समेत दुनिया के तकरीबन 120 देश ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में जुट रहे हैं, ताकि जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले खतरे से निपटने पर दुनिया एक साथ मिल बैठकर कदम उठा सके। लवीना टंडन, ग्लासगो आज तक। जियो और गूगल के नए स्मार्टफोन जियो नेक्स्ट की खूबियां और कीमतों का ऐलान हो चुका है। इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए कंपनी ने ग्राहकों को EMI का विकल्प भी दिया है। साथ ही इस फोन को EMI पर खरीदने के बाद 1.5 साल तक रिचार्ज कराने की भी जरूरत नहीं होगी। जियो फोन नेक्स्ट का आगाज हो गया है। गूगल और जियो के बनाए इस फोन को लेकर काफी चर्चा हो रही थी, लेकिन अब इसकी कीमतों को लेकर इसकी हर खूबी सामने आ गई है। सबसे पहले इस फोन की कीमत के गणित को समझते हैं। दरअसल वैसे तो इस फोन की कीमत 6,500 रूपए है, लेकिन ग्राहक इसे 2,000 रूपए में खरीद सकते हैं। बाकी की रकम कम से कम 300 रूपए की EMI में चुका सकते हैं, या फिर सारी रकम एक साथ देकर भी इस फोन को खरीदा जा सकता है। टुडे आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट गूगल एंड जियो टीम्स हैव जॉइंटली डेवलप्ड अ ट्रूली ब्रेक थ्रू स्मार्टफोन दैट वी आर कॉलिंग जियो फोन नेक्स्ट। जियो फोन नेक्स्ट इज अ फुल्ली फीचर्ड स्मार्टफोन सपोर्टिंग द एंटायर स्वीट ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम बोथ गूगल एंड जियो। अब एक एक करके इस फोन के बॉक्स से लेकर डिजाइन और बैटरी की बात करते हैं। फोन के बॉक्स में फ्रंट पर जियोफोन नेक्स्ट लिखा है, सामने की तरफ फोन का मॉडल है, जबकि नीचे की तरफ क्रिएटेड विद गूगल लिखा है। फोन के दोनों साइड में जियो की ब्रांडिंग है। पीछे की तरफ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस के साथ फोन के फीचर्स का जिक्र किया गया है। यहीं पर क्वालकॉम और प्रगति OS का भी जिक्र किया गया है। अब देखते हैं इस फोन का डिजाइन कैसा है।
इसके फ्रंट साइड में करीब करीब बेजलेस स्क्रीन दी गई है। ऊपर की तरफ एक फ्रंट कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर दिए गए हैं। फोन के पीछे की तरफ 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। कैमरा लेंस के ठीक नीचे एलईडी फ्लैश दिया गया है। इसके नीचे की तरफ जियो का लोगो दिया गया है और सबसे नीचे स्पीकर ग्रिल लगी है। फोन के साथ एक काले रंग का चार्जर और केबल दी गई है। ये सामान्य चार्जर है जिसमें फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगी। हालांकि कंपनी का कहना है कि सिंगल चार्ज पर स्मार्टफोन का बैकअप 36 घंटे का है। इस फोन के साथ ईयरफोन नहीं मिलेगा। जियो फोन नेक्स्ट इज पैक्ड विद कटिंग एज फीचर्स लाइक वॉइस असिस्टेंट, ऑटोमेटिक रीड अलाउड ऑफ स्क्रीन टेक्स्ट, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, स्मार्ट कैमरा विद ऑगमेंटेड रियलिटी फिल्टर्स एंड मच मोर। फोन को पहली बार ऑन करने पर जियो फोन नेक्स्ट के साथ क्रिएटेड विद गूगल लिखा हुआ आएगा। इसके बाद प्रगति ओएस लिखा हुआ दिखेगा। नीचे की तरफ पावर्ड बाय एंड्रॉइड लिखा हुआ है। इसके ओएस को गूगल ने बनाया है। फाइनल फोन ऑन होने से पहले स्क्रीन पर जियो का लोगो भी दिखाई देता है। फोन के बैक कवर को यूजर हटा सकता है। इसमें रिमूवेबल बैटरी दी गई है जिसे खराब होने पर आसानी से निकाला जा सकता है। बैक कवर हटाने के बाद सिम और माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का स्लॉट भी नजर आता है। आज से दिल्ली के स्कूलों में क्लास की घंटियां बजनी शुरू हो गई। करीब 19 महीने बाद कोरोना नियमों की गाइडलाइंस के साथ स्कूल खुल गए। लंबे अरसे बाद पहले दिन बच्चों में स्कूल आने का दिखा उत्साह। क्लासरूम में बच्चे पढ़ते दिखे। कोरोना काल में ये शुरुआत जो है वो सख्त प्रोटोकॉल के तहत है। ये कई तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे जिंदगी अब चलने लगी है, लेकिन संभल कर और सावधानी के साथ ही इसे आगे चलाना है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल पहुंचे तो वहां पर देखिए उनके हाथों को सैनिटाइज किया गया। जो स्टाफ पहुंचा ये भी कहा गया कि वो फुल वैक्सीनेटेड हो, उन्हीं को आने दिया जाएगा, वही वो पढ़ा सकते हैं। और इस बीच आपको बता दें डीडीएमए ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं और उन दिशा निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है। क्या है वो दिशा निर्देश आपको बता दें, दरअसल छात्रों को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये कहा जाएगा कि स्वतंत्र हैं अभिभावक, अगर भेजना चाहें तो ठीक है, अभिभावक की सहमति से ही स्कूल आएंगे बच्चे। अगर वो ऑफलाइन लेना चाहें या ऑनलाइन लेना चाहें, ये पूरी तरीके से फैसला अभिभावक के ऊपर ही छोड़ा जाए। टीचिंग नॉन टीचिंग के लिए भी जो लोग वहां पहुंच रहे फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। लंच किताबें जो वहां पर उसे साझा भी नहीं करना होगा। दो पाली के बीच एक घंटे का अंतराल होना भी जरूरी है। प्रवेश और निकास में 2 गज की दूरी का पालन भी करना होगा, एक डिस्टेंस बनाकर ही रखना होगा। वहीं चेहरे पर मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। जब बच्चे स्कूल में जा रहे हो, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो स्टाफ हो, मास्क लगाना अनिवार्य है। कंटेनमेंट जोन में रहने वालों की एंट्री नहीं होगी, आगंतुकों की एंट्री पर भी प्रतिबंध रहेगा। तो ये सारे दिशा निर्देश जो डीडीएमए की तरफ से दिए गए हैं, कक्षा में क्षमता से 50% से ज्यादा बच्चे ना हो, और इन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करके फिलहाल स्कूल जो है अभी दिल्ली में खुल गए हैं। सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही है, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। आज बच्चों के चेहरे पर खुशियां हैं, उमंग है, उत्साह है। दिल्ली के स्कूल में दोस्तों से मिलने की बेताबी है, स्कूल जाकर पढ़ने की तमन्ना है। 19 महीने के बाद ये मौका मिला है। आज की सुबह बिल्कुल अलग है। आज से नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। वैसे तो दिल्ली में 9वीं से 12वीं की कक्षाएं पहले से ही चल रही थीं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए आज से बजने लगेंगी घंटियां। कोरोना के इस काल में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल में सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा गया है। दिल्ली में कोरोना के पहले अटैक के बाद लॉकडाउन लग गया, स्कूल बंद हो गए और आज पहली बार नर्सरी की क्लासेस शुरू हो रही है। मेरे पीछे आप इन तमाम छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, इनका स्वागत किया गया है बलून देकर। और आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत से ऐसे छोटे बच्चे हैं जो अपने पुराने मित्रों से भी मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर 2 बच्चों से मुलाकात कराते हैं। क्या नाम है आपका? तमन्ना। तमन्ना, आप अपने फ्रेंड से मिले? यस। कितने दिन के बाद? 2 सालों के बाद। तो आज आप क्लास में आए, आपको अच्छा लगा या ऑनलाइन क्लास पसंद थी? ये वाली क्लास बहुत अच्छी लगी। अच्छा,
आठवीं तक के बच्चों की क्लास के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA ने कई गाइडलाइंस जारी की हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूलों को ये सुनिश्चित करना होगा कि एक समय में एक कक्षा में 50% से ज्यादा बच्चों की उपस्थिति न हो और किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए मजबूर न किया जाए। बिना वैक्सीनेशन के स्टाफ को एंट्री नहीं दी जाएगी। दोपहर के भोजन, किताबों या किसी सामान को शेयर करने की इजाजत नहीं है। स्कूलों ने भी अपने हिसाब से पूरी तैयारियां कर ली हैं, ताकि कोविड नियमों का सही से पालन किया जा सके। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो आज पहले दिन स्कूल आए हैं ना, ये स्कूल में पहली बार आए हैं, तो ये बड़ा एक वो है कि इस स्कूल में एडमिशन इनका 1.5 साल पहले हो गया, लेकिन पहली बार स्कूल आने को मिल रहा है। सारे बच्चे बहुत खुश हैं और पेरेंट्स भी अब रिलीफ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है पढ़ाई का, तो वो नुकसान अब धीरे धीरे रिकवर होगा। अभी हम इनकी इमोशनल वेलबींग और मेडिटेशन, हैप्पीनेस, इस पे काम करेंगे कुछ दिन, उसके बाद इनको मेन पढ़ाई पे शुरू करेंगे। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली में आठवीं तक के सभी स्कूल आज से ही खुल रहे हैं। कई स्कूलों ने दिवाली के बाद आठवीं तक की पढ़ाई शुरू करने का ऐलान किया है। ऑफलाइन के साथ साथ जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, उनके लिए ऑनलाइन की कक्षाएं भी चलती रहेंगी। स्कूलों के दोबारा खुलने से शिक्षकों के साथ साथ अभिभावक खुश हैं, लेकिन कुछ अभिभावकों को तीसरी लहर की चिंता सता रही है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। स्कूल खुलने के पहले दिन ही डिप्टी सीएम और मनीष सिसोदिया स्कूल पहुंचे, सब कुछ देखा, बच्चों से मिले और आज तक से बातचीत भी की। डिप्टी सीएम पहुंचे हैं स्कूल और तमाम छात्रों से बात कर रहे हैं, और खास तौर से जब पहला अटैक हुआ था कोरोना का, उसके बाद आज बच्चे पहली बार स्कूल आए हैं, क्या बातचीत आपकी हुई, क्या बच्चे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बच्चे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और खुश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया इनको। इसमें से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी हम जिस क्लास में खड़े हैं ये 7वीं क्लास है, तो इनकी 6ठी क्लास पूरी ऑनलाइन गई है, इन्होंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी, और 5वीं क्लास में ये MCD के स्कूलों पढ़ते थे। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो आज पहले दिन स्कूल आए हैं ना, ये स्कूल में पहली बार आए हैं, तो ये बड़ा एक वो है कि इस स्कूल में एडमिशन इनका 1.5 साल पहले हो गया, लेकिन पहली बार स्कूल आने को मिल रहा है। सारे बच्चे बहुत खुश हैं और पेरेंट्स भी अब रिलीफ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है पढ़ाई का, तो वो नुकसान अब धीरे धीरे रिकवर होगा। अभी हम इनकी इमोशनल वेलबींग और मेडिटेशन, हैप्पीनेस, इस पे काम करेंगे कुछ दिन, उसके बाद इनको मेन पढ़ाई पे शुरू करेंगे। बच्चों से आपने पूछा उन्हें ऑफलाइन क्लास पसंद है या ऑनलाइन, घर से बाहर जाना? ऑफलाइन मतलब स्कूल में आना ज्यादा अच्छा लगता है या ऑनलाइन? स्कूल में ज्यादा अच्छा लगता है, सारे बच्चे से मतलब एक स्वर में, एक भी बच्चा नहीं कह रहा कि ऑनलाइन क्लास चलनी चाहिए। सर, साथ ही क्या ये एक तरह का रिस्क भी है? हम पिछले दिनों जब चर्चा कर रहे थे, जब 9वीं से 12वीं के स्कूल खुले थे, वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन आएगी उसके बाद ही बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, उसकी स्थिति क्या है अभी, क्या रिस्क नहीं है एक तरह का? रिस्क तो है, लेकिन अब इतनी पढ़ाई को लेकर और रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि वैक्सीन का वेट करते करते हमारी एक पूरी की पूरी जनरेशन ऐसी निकल जाए जिसका स्कूल लेवल, जिसका एजुकेशन का लेवल बहुत नीचे हो, इसका नुकसान बहुत ज्यादा है और ये बड़ा रिस्क है। और अब बात पेट्रोल डीजल की, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और जनता त्राहिमाम कर रही है। दिवाली आसपास है, लेकिन महंगाई से लोगों को राहत नहीं है। देश के अनूपपुर में पेट्रोल रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गया है, 121.96 रुपए प्रति लीटर की दर से अनूपपुर में पेट्रोल बिक रहा है। गरीबों को दिक्कत है, अभी तो अमीर तो डला रहा है, खाली चल रहे जैसे रेट बढ़ी है। मान नहीं छू रही, गलत है ये, आप कंपैरिजन देखिए पहले से। बेड़ा गर्क करता साडा, इन्हें ना रोटी योगा छड्डा ना पानी योगा छड्डा। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ। दिल्ली में आज फिर से पेट्रोल और डीजल 35 पैसे महंगा हो गया। पिछले 10 दिन में करीब 3 रुपए का इजाफा हुआ है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल आज 109.69 रुपए में मिल रहा है।
डीजल की बात करें तो 98.42 रुपए। 4 महानगरों की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल में 115.50 रुपए और डीजल में 106.62 रुपए प्रति लीटर अब ये रेट चल रहे हैं इन जगहों पर। कोलकाता में पेट्रोल 110.15 रुपए, डीजल 101.56 रुपए प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल 106.35 रुपए और डीजल 102.59 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। शहर शहर पेट्रोल के भाव अब ताव दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए जरा राजधानी दिल्ली और भोपाल में तेल पर कैसी तकरार जारी है। दिवाली आसपास है लेकिन महंगाई से लोगों को राहत नहीं है। खासतौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है और सबसे बड़ी मार उसी की वजह से है क्योंकि आज भी 35 पैसे प्रति लीटर कीमत बढ़ाई गई है पेट्रोल और डीजल की। जो पेट्रोल की कीमत इस वक्त दिल्ली में है वो लगभग 110 रुपए है, 109.71 रुपया जो है वो पेट्रोल की कीमत है और डीजल की कीमत भी सेंचुरी के आसपास 98.44 रुपए। तो ये स्थिति है इस वक्त दिल्ली में, राजधानी है देश की, और यहाँ भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत नहीं मिल रही है। हालांकि डीजल की कीमत देश के कई शहरों में 100 का आंकड़ा छू चुकी है लेकिन दिल्ली में भी अब धीरे धीरे उसी आंकड़े की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, एक आम जो बजट है आम लोगों का वो बिगड़ गया। कितना इसका असर है आप लोगों के लाइफ? सर जो 300 में 350 में टंकी फुल हो जाती है 500 में नहीं हो रही, फर्क तो है। त्योहार का मौसम है, ऐसे में क्या और जगह कटौती करनी पड़ती है? हर जगह कटौती है, वो स्थिति नहीं है, परेशानी तो है लोगों को। दिवाली से ठीक पहले भी मध्य प्रदेश के ऊपर महंगाई का बम फूटा है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 40 पैसे की बढ़ोतरी के बाद मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गया है। 121.96 रुपए प्रति लीटर की दर से अनूपपुर में पेट्रोल बिक रहा है मध्य प्रदेश के। वहीं दूसरी तरफ अगर हम राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो यहां पर भी पेट्रोल की कीमतें प्रति लीटर 118.43 रुपए हो गई है 40 पैसे की बढ़ोतरी के बाद, क्योंकि रविवार को ये पेट्रोल 118.03 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा था। डीजल की कीमतें भी आप देखिए तेजी से पेट्रोल के पीछे पीछे डीजल की कीमतें भी ऊपर चढ़ रही हैं। 107.88 रुपए प्रति लीटर की दर से फिलहाल डीजल भी भोपाल में बिक रहा है। ये तमाम कीमतें बताती है कि किस तेजी से मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। बालाघाट में भी पेट्रोल जो है वो 120.96 रुपए प्रति लीटर की दर से आज बिक रहा है। और बालाघाट हो, अनूपपुर हो, ये वो जिले हैं मध्य प्रदेश के जो सबसे महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल पूरे मध्य प्रदेश के मुकाबले सबसे महंगा है। पहले आधा लीटर से ऊपर आता था, अब तो बहुत ही महंगाई हो गई है। पेट्रोल कमी नहीं हो रही है, बढ़ता चला जा रही है। बस ये है कि गरीबों को दिक्कत है अभी, तो अमीर तो डला रहा है लेकिन गरीब कैसे डला है। अब मैं भी 100 रुपए का डला रहा हूँ पेट्रोल खत्म पे, अब वो भी खत्म पे मैं डलवा रहा हूँ लेकिन 1 लीटर नहीं आया 100 रुपए में, और रोज कभी 117 देख रहा, अब आया 118 पार ही है। तो यूपी से बिहार तक तेल के भाव को लेकर पॉकेट तो खाली हो ही रही लेकिन पेट्रोल से टंकी फुल भी नहीं हो रही। देखिए पटना लखनऊ से ये खास रिपोर्ट। एक गाना था कि सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है, लेकिन महंगाई हो रही है पेट्रोल और डीजल की जिसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर हम आपको दिखाएं तो आज पेट्रोल की कीमत 106.58 रुपए तक पहुंच गई है, तो वही डीजल के दाम 98.88 रुपए पे यानी कि 35% का इजाफा एक बार फिर से हो गया है। 3 दिन बाद दिवाली है लेकिन आम आदमी का दिवाला पेट्रोल की कीमत से निकला जा रहा है। तो वही दूसरी तरफ सरकार इस पूरे मामले में चुप है। जो लाइनें हमें यहाँ दिखाई देती हैं जहाँ लोग रोज अपने जेब के हिसाब से पेट्रोल भरवाने आते हैं उनके लिए चिंता का विषय यही है कि आज कैसे डलवाएं, क्योंकि कल का फिर मुंह देखेंगे तो 35% पैसा फिर से पेट्रोल बढ़ चुका होगा। आम आदमी इस वक्त त्योहार के सीजन में
पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की मार झेल रहा है, जिसके चलते उसका बजट पूरी तरीके से खराब हो गया है। ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था की पटरी पर पेट्रोल और डीजल की जो ट्रेन चल रही है वो उसका ब्रेक फेल हो चुका है, क्योंकि लगातार देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है बेतहाशा तरीके से। अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो आज आप देखिए जो डीजल की कीमत है वो 105 रुपये 10 पैसे तक पहुंच चुकी है, और जहां तक पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की कीमत आज के दिन में 113 रुपये 46 पैसे है। और अगर अक्टूबर महीने की सिर्फ बात करें तो अक्टूबर महीने में ही पेट्रोल की कीमत पटना में 8.5 रुपये तकरीबन जो है प्रति लीटर बढ़ा है, और डीजल की कीमत तकरीबन 8 रुपये प्रति लीटर जो है वो बढ़ चुका है, जिससे आम लोगों को जो है वो बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बार के फेस्टिव सीजन में मार्केट में लोगों की खरीदारी नए रिकॉर्ड्स कायम करने के लिए तैयार है, लेकिन इस जोश के बीच में कोरोना प्रोटोकॉल की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को लोग भूल चुके हैं, जिससे त्योहारों के दौरान संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। फेस्टिव सीजन में पहले ही लोगों की आवाजाही बढ़ने से कोरोना के केस में इजाफा होने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इस खतरे को ज्यादा डरावना बना रही है लोगों की लापरवाही। दरअसल जिस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को कोरोना से बचाव का असरदार जरिया माना गया है, उसको लेकर लोगों की बेरुखी त्योहारों का मजा फीका करने पर तुली हुई है। लोकल सर्कल के सर्वे के मुताबिक इस बार फेस्टिव सीजन में कोरोना प्रोटोकॉल अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। इस सर्वे के मुताबिक महज 2% लोगों को लगता है कि मास्क लगाने के नियमों का पालन हुआ है, जबकि 3% लोगों का मानना है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, यानी कोरोना से बचाव के मामले में लोग एकदम लापरवाह हो गए हैं। जिस तरह से दुर्गा पूजा के बाद बंगाल में कोरोना के केस बढ़े हैं, उसे देखते हुए लोगों का कोरोना से बचाव को लेकर अपनाया जा रहा ये रवैया भी देश के बाकी हिस्सों में संक्रमण की रफ्तार तेज कर सकता है। लोकल सर्कल ने यह सर्वे सितंबर में किया था। इसके नतीजे स्वास्थ्य मंत्रालय की 6 जुलाई की ब्रीफिंग के मुकाबले काफी अलग रहे हैं। तब स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि 29% लोगों ने अपने क्षेत्र में मास्क लगाने के नियम के प्रभावी होने का दावा किया था, जो अब लोकल सर्कल के मुताबिक घटकर 2% पर आ गया है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के बाद जहां जुलाई में 11% लोगों ने मानी थी, तो वहीं अब ये घटकर 3% पर आ गई है। लोकल सर्कल्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिवाली के मौके पर लोग कोरोना से बचाव के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। शहरों में दिवाली मेले आयोजित किए जा रहे हैं और लोग बगैर किसी रोक टोक के पार्टियां भी कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब लोग 2 साल बाद त्योहारों को उत्साह के साथ मना रहे हैं और कोरोना से बचाव के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी का डर बढ़ गया है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि दिवाली मेलों का आयोजन सीमित होना चाहिए और लोगों को भी इसमें बड़ी संख्या में शामिल होने से रोकना चाहिए। आज तक ब्यूरो। जल्द ही 9 महीने से लेकर 4 साल तक के बच्चों के साथ 2-व्हीलर पर सफर करने के नियम बदलने वाले हैं। अगले साल से छोटे बच्चों को बिना हेलमेट या सेफ्टी हार्नेस के दोपहिया वाहन पर नहीं ले जाया जा सकेगा। छोटे बच्चों के साथ 2-व्हीलर चलाने के लिए यातायात के नियम बेहद कड़े करने की सरकार ने तैयारी कर ली है। अगले साल से 2-व्हीलर पर छोटे बच्चों के साथ सवारी करने वाले लोगों को नए ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। यातायात के ये नए नियम उन लोगों पर लागू होंगे जिनके साथ दोपहिया पर 9 महीने से लेकर 4 साल के बच्चे होंगे। नए नियमों के तहत अगर किसी 2-व्हीलर पर इतने छोटे बच्चे सवार हैं, तो फिर उनके लिए सुरक्षा पेटी और हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ऐसे दोपहिया वाहन की अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं हो सकती। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपए के चालान और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का सस्पेंड करने का प्रावधान किया जा सकता है। सेफ्टी हार्नेस को लेकर भी काफी विस्तार से जानकारी मिली है। ये सुरक्षा पेटी एडजस्ट की जा सकेगी और कंधों से एक जोड़ी स्ट्रैप के लूप के जरिए ड्राइवर के साथ इसे बांधा जा सकेगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS के तय किए गए मानकों पर इस हार्नेस को खरा उतरना होगा। इन मानकों में वजन एडजस्ट करने की छूट, वाटरप्रूफ और मजबूती को शामिल किया जाएगा। हार्नेस को केवल नायलॉन
या मल्टीफिलामेंट नायलॉन से बनाया जा सकेगा और ये 30 किलो तक के वजन को संभालने के लायक होगी। इन नए नियमों को सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 में संशोधन के बाद कानून में शामिल किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में सड़क परिवहन और यातायात मंत्रालय ने इसका ड्राफ्ट लोगों की राय जानने के लिए जारी किया था। अब एक बार ड्राफ्ट के फाइनल हो जाने के बाद इन नियमों को लागू कर दिया जाएगा। इस नए नियम के लागू होने से टू व्हीलर्स पर सफर करने वाले छोटे बच्चों की सुरक्षा जरूर बढ़ेगी, लेकिन शुरुआत में बच्चों में इसकी आदत डालने में माँ बाप को कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ेगी। लेकिन ये भी तय है कि इन नियमों के अमल में आने के बाद सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, जिससे जान माल का नुकसान भी कम किया जा सकेगा। आज तक ब्यूरो।